बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी एक बहुत ही अहम शख्सियत, पंजाब की बहुत ही अहम शख्सियत, जिनके बारे में एक क्लिप चल रहा था, एक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की चल रही थी कि उनकी बीवी भाग गई है। वो बीवी जो हैं वो उनकी मुबैना तीसरी बीवी हैं, और हमारे इमरान खान साहब की वाइफ की जो कि बुशरा बीवी हैं उनकी वो मुरीदनी भी हैं, और उनका नाम है सायरा। तो सायरा जी जो हैं वो दरअसल FIA ने उनको तलब किया हुआ था और वो उससे भागी हैं। उनका वकील ने ये इस्तदा की है कि वो अभी पेश नहीं हो सकती। दरअसल उन पे बहुत ज़्यादा करप्शन के और पैसे के जो कि उनके असासे हैं और जो कि उनकी ख़रीदो फरोख्त है बैरून मुल्क, वो कई दफ़ा गई हैं और वहाँ पे उन्होंने बेनतहा लाखों की ख़रीदारी की है। 24 न्यूज़ पर ये खबर चल रही थी, मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को इस खबर से क्यों ना आगाह करूं कि इस किस्म की करप्शन हो रही है पंजाब में। परवेज़ इलाही के ख़ानदान पर बड़े करप्शन के केसेस हैं। परवेज़ इलाही साहब ही मुबैना तौर पे उन साहिबा के शौहर हैं, मैं मुबैना ही कहूँगा। बहरहाल तरदीदें आती रहें या ना आती रहें, इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ 24 न्यूज़ की जो पट्टी चल रही थी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वो आप तक पहुँचाना था। तो सायरा जी जो हैं वो यहाँ से चली गई हैं और वो पेश नहीं हो रही हैं। ये चीज़ जो है वो बड़ी ही गलत है पाकिस्तानियों के लिए, वो जो एक आटे के थैले के लिए तरस रहे हैं, जो कि दूध की बूंद के लिए तरस रहे हैं, जो कि चीनी के दाने के लिए तरस रहे हैं, और नून लीग वाले भी जो जिन जो जितने भी मुकदमात वाले लोग थे, जिन पर इल्ज़ामात थे, जिन पर इल्ज़ामात तकरीबन साबित भी हो चुके थे, तो उनके उनके साथ मिनिस्ट्रीज़ में अयाशियाँ हो रही हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी, जो कि सिंध के बुरे हालात के बावजूद अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए, किस तरफ जाए, किसको वोट देगी, वो किस से फरियाद करेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।